बरसात का सीजन शुरू हो रखा है और पिछले साल का यदि हम अनुभव देखें कि जिस तरह से डेंगू ने पैर पसारे और प्रत्येक घर में किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ा है कि जो कि डेंगू से पीड़ित नहीं, डेंगू जैसी बीमारी से पीड़ित ना हुआ हो, उसी चीज़ को देखते हुए आज हमने नगर निगम यहाँ पर, ताकि प्रत्येक छत पे डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है और उसका लार्वा भी साफ पानी में होता है, तो हम लगातार पहले भी लोगों से अपील करते आ रहे हैं और लगातार अपने जो हमारे कूड़ा उठान वाहन जाते हैं उन वाहनों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, होल्डिंग बैनर के माध्यम से भी जागरूक कर रहे हैं कि प्रत्येक दिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहने के लिए 10 मिनट आप अवश्य अपने लिए दें और अपने छतों के आसपास या फिर कूलर में, गमलों पर, कहीं पर भी साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसी में डेंगू के मच्छर भी पनपते हैं, उसी में उनका लार्वा भी होता है। उसी चीज़ को और बारीकी से मॉनिटरिंग करने के लिए और पूरे शहर को डेंगू जैसी महामारी से भी बचाने के लिए आज हमने नगर निगम में ड्रोन कैमरे की निगरानी से इसका शुभारंभ कर दिया है कि ड्रोन के माध्यम से प्रत्येक घर के छतों पे हम यहीं से नगर निगम से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और फिर उसके बाद हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर, हमारे जितने भी सफाई हवलदार हैं, सफाई इंस्पेक्टर हैं, वो सभी उन जगहों पर जाएंगे और उन लोगों से पहले आग्रह करेंगे कि आपकी छतों में अभी टंकियों के ढक्कन खुले हैं या कूलर में पानी जमा हो रहा है, आप इसको खाली कर दीजिए। स्वास्थ्य की टीम भी साथ में रहेगी ताकि वहाँ पे हम कीटनाशक दवाइयाँ भी छिड़क सकें। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगी कि जिस प्रकार से आपने कोरोना जैसे वायरस के लिए इस लॉकडाउन में अपना पूरा सहयोग अपने शहर को बचाने में दिया, उसी तरह का सहयोग आप इन दो महीनों में, जो बरसाती दो महीने हैं, ये काफ़ी बीमारी के हिसाब से देखे जाएं तो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी नाजुक समय होता है बरसात का ये, तो इन दो महीनों में भी आप अपना पूरा सहयोग नगर निगम को देंगे और अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे। नगर निगम की पूरी निगरानी, पूरी बारीकी से एक एक घर के छत पे, एक एक घर के आसपास निगरानी करने के लिए आज से ड्रोन से हमने ये काम शुरू कर दिया है। तो मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए अवश्य 15 मिनट प्रतिदिन अपने घर के आसपास की सफाई के लिए निकालेंगे। धन्यवाद।